हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पूरी। तो यहाँ मैंने आटे में सारे बेसिक मसाले और थोड़ा सा आलू क्रश करके डाला, बॉयल आलू, और कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके मैंने इसको गूंद लिया था। तो इतना हमारे आलू भी बॉयल हो चुके थे तो उसका तड़का लगाएंगे। तो बस मैंने सारे बेसिक मसाले डाल के ऑयल गर्म करके इसमें तड़का लगा दिया, और कुछ आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, उनको अच्छे से थोड़ा ग्रेवी के लिए मैश करा, और टमाटर वगैरह सारे कद्दूकस वगैरह करके इसमें डाल दिए, और आलू भी अपने मैश जो करे थे वो भी डाल दिया, हल्का बॉयल पानी डाला है। तो ये हमारे पूरी के लिए, मसाला पूरी के लिए आलू की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बॉयल मतलब खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, तो इसको धीमी आँच पर रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये धीमी आंच पे पकती रहेगी। तो इतने में हम अपनी पूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ बस मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसको बेल लेते हैं अच्छे से। तो बस ये मैंने ऑयल भी गर्म करके रखा था अच्छे से, तो हमारी पूरियाँ भी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो बस धीमी धीमी आँच पर इसको बनाएँगे तो हमारी पूरी भी बन के अच्छे से तैयार हो जाएगी। मतलब खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, तो आप भी इस तरह बनाइए। तो बस अब मैं इनको निकाल लेंगी, बस धीरे धीरे करके सारी पूरियाँ बना के हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, तो छोटे वाले को तो बहुत पसंद आती है, तो उसके लिए मैं बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने ये पूरियाँ भी बना के तैयार कर ली हैं। तो बस अब हम अपनी थाली सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरी और अपनी ये थोड़ा सा मैंने रेड मिर्च का अचार भी डाला है, और ये मैंने आलू की ग्रेवी जो बनाई थी तो बन के तैयार हो चुकी है। तो आप भी बनाइए, तो खाने में तो बहुत दिखने में खाने में तो बहुत ही यम्मी लगती है, तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई, तो मैंने तो बहुत इंजॉय करा। तो ये हमारी मसाला पूरी बन के भी तैयार हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।